ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, ये भी इजी क्वेश्चन है, 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन भी है। आपसे कह रहा है कि व्हेन 40 बोल्ट ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल, कॉइल के सिरों पर आपने वोल्टेज कितनी लगाई है, 40 बोल्ट लगाई है। हमसे कह रहा है देन करंट ऑफ 80 मिली एम्पियर, तो करंट फ्लो होनी शुरू हो गई 80 मिली एम्पियर की उसके अंदर से, तो हमसे कह रहा है द इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको एक्सएल कहते हैं ये पूछा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब है एक तरह से कॉइल का रेजिस्टेंस, तो आप कैसे निकालते हो, आपको पता है कि वोल्टेज जो होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस के बराबर होता है, मतलब वी इज इक्वल टू हो जाता है आई इंटू एक्सएल के, तो मुझे यहाँ से एक्सएल चाहिए, तो एक्सएल इज इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आई, वोल्टेज कितना देगा 40 और आई कितना है 80, मिली का मतलब होता है 10^-3, देखो 40 से 80 दो बार चला जाएगा, तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ 1/2 10^-3 ऊपर जाकर 10^3 हो जाएगा, 10^3 का मतलब होता है 1000, 1000 के आधे करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 500, तो यहाँ से एक्सएल की वैल्यू कितनी आ चुकी है 500 ओम आ चुकी है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है 500 ओम वाला, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। सिंपल सा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 11, इतना टफ नहीं था, लेकिन बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसमें भी कन्फ्यूज़ हो गए हो। थैंक यू।